नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अहूजा और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, औरंगजेब नक्शबंदी और मेरे साथी नीरज शर्मा। चर्चा का मुद्दा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिरपुटोवल उठापटक, जिसका कोई सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है। चाचा ने भतीजे को दगा दिया है या चाचा और भतीजे की मिली भगत है, और अगर चाचा और भतीजे की मिली भगत है तो चाचा क्या करेंगे? क्या चाचा जो है वो अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटी और भतीजे के बीच में क्या रिश्ता है, क्या क्या उनके इनकी आपस में क्या इक्वेशन है, उसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ एक किस्म का सुगबुगाहट का और चर्चा का दौर जारी है। इसी बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे शेखर जी के पास। ये जो घटना हुआ है ना महाराष्ट्र में, इतने इसमें क्या कहें, मतलब देर आर प्लॉट्स विद इन प्लॉट्स। आज भी कई लोग, मैंने मुंबई से बात किया, दे आर नॉट विलिंग टू बिलीव कि भाई दैट इट्स अ रिवोल्ट बाय अजीत पवार अगेंस्ट शरद पवार, क्योंकि उनको लग रहा है भाई ये कुछ इसमें इतना नहीं है कि भाई इसने तोड़ के आ गया। क्योंकि ये देखिए, वो सबसे अजीत पवार सबसे बड़ा चेला है, ठीक है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि ये ही वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट सुप्रिया सुले। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने एक हफ्ते, ये भी चार दिन पहले जो खुलासा किया, भाई शरद पवार भी हमसे बात कर रहे थे, और आपके याद होगा औरंगजेब, ये अक्टूबर नवंबर में शरद पवार जाके मिले थे मोदी से पार्लियामेंट हाउस में, महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद। तब क्या बोले, किसान समस्या को बात करके आए, किसान समस्या। लेकिन शरद पवार का क्या था, यहाँ भी बात करो वहां भी बात करो। आज भी लोग कह रहे हैं भाई अजीत पवार तो वहां घुस गया, बट ऑप्शन ऐसे रखो ताकि नहीं, वो तो शेखर उसके बाद उन्होंने अजीत पवार को वापस लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। यही तो कांग्रेस की भी नाराजी वही है ना भाई, आपको पता है उसकी क्या टेंडेंसीज है, तभी उसको आप एक्ट करते हो, कभी एक्ट नहीं किया। आज भी क्या बोल रहे हैं, नहीं लीगल एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी सुप्रिया सुले कहने पर चिट्ठी गई है। बट फिर भी यू कैन सी समवेयर, देखिए पवार हैज बीन अनप्रेडिक्टेबल हिज पॉलिटिक्स। जब वसंत दाता पाटिल के खिलाफ भी इन्होंने जब मोर्चा खोल के सरकार बना ली भाई कांग्रेस, और फिर जब फिर राजीव गांधी के साथ फिर करके दूसरा सरकार भी फिर बना ली, ही इज गुड एट दैट। एंड अजीत पवार इज फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक ऑफ शरद पवार, इसमें कोई ये नहीं है। और जो शरद पवार को नेता मानते हैं ना महाराष्ट्र में, दे डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ही इज एन आइकॉन ऑफ मराठा कम्युनिटी, बस उस व्हाट ही डज दे फील इज गुड। लेकिन ये एक नया परिस्थिति है और मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रिया सुले भी उस मीटिंग में थी जहां अजीत पवार ये सब बैठकर बात किए, फिर सुप्रिया, क्योंकि जो स्टोरी जो आ रही है औरंगजेब ऐसा है, उस मीटिंग से सुप्रिया सुले ने पवार को, शरद पवार को फोन किया, क्योंकि शरद पवार ने उसको भेजा था सुप्रिया सुले को, भाई तुम किसी तरह अजीत को रोको, अभी हम थोड़ा प्लान करके करते हैं, लेकिन अजीत पवार मानने को तैयार नहीं। तो सुप्रिया सुले ने वहां से फोन करके बताया शरद पवार को, भाई ये तो कह रहे जा रहे हैं राजभवन, मैं क्या करूं। तो शरद पवार ने बोला ठीक है आप चले आओ, नहीं तो आप बताइए, जो लोग वहां बैठे थे कई एमपीस, जो लोग अभी कह रहे हैं हमें पता नहीं था क्यों ये लोग राजभवन जा रहे थे, मतलब इतना कोई इनोसेंट एमपी हो सकता है क्या? नहीं, और इसी सुप्रिया सुले ने, तेरी सुप्रिय आश्चर्य प्रफुल्ल पटेल, भाई प्रफुल्ल पटेल, जगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, ये दे आर ऑल वेरी डिवोटेड, दे आर नॉट अजीत पवार पीपल, उनका उतना केमिस्ट्री नहीं है अजीत पवार से। दैट इज वाई अभी भी देखिए मुझे कई लोग कह रहे हैं, मतलब दे कांट बिलीव इट, झगड़ा तो हो रहा है, दोनों अपने पार्टी कब्जे में लगे हुए हैं और ये कह रहा है मेरा फोटो हटा दो, वो सब ठीक है। शेखर इसमें ना एक चीज आ गया कि पहले हम ये कहते थे कि खाली कांग्रेस वल्नरेबल है, बाकी भी आ गए। देखिये शिवसेना जैसी पार्टी, कार्डर बेस्ड पार्टी, इतना बड़ा पर्सनालिटी ड्रिवन ये है, तो वहां आप देखिए क्या हुआ। और वो एक और चीज दर्शाता है कि इन पार्टीज में एक रिजेंटमेंट स्लोली एक बढ़ता जा रहा है, जिसकी उसके बाद उनको एक चैनल चाहिए जिस चैनल को यूज करके वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे के बारे में शिंदे ने जो बात बोली, वो सब कहते थे कि वो मिलते ही नहीं थे किसी पार्टी वाले से। और देखिए एनसीपी पार्टी में ना आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, ना ना देखिए वहां सत्ता नहीं है ना, बिना सत्ता वो उनके लिए और कुछ मतलब नहीं है। बिकॉज एंड ऑल्सो
देखिए अभी कॉरपोरेशन इलेक्शंस होनी है, बृहन मुंबई से लेकर पुणे, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, बड़े बड़े शहरों में चुनाव होनी है, एंड दैट इज द वेयर इट इज मच। मैंने कहा ना कि बड़े सत्राप शरद पवार है, बाकी सब छोटे सत्राप से ये में। और देखिए दूसरी बात, कांग्रेस के भी आज मैंने कांग्रेस नेता से भी बात हुई महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं भाई हमने एक बड़ी गलती की, ये नाना पटोले तो स्पीकर थे बिल्कुल, और किसी से ना पूछे वो रिजाइन कर दे, क्योंकि कांग्रेस डिसाइडेड कि शुड बी प्ले मोर एग्रेसिव रोल इन अगाड़ी, और वो आगे पार्टी अध्यक्ष बन के आगे और स्पीकरशिप का ये ले लिए, मतलब कोई स्पीकर ही नहीं था, डेप्टी स्पीकर था। अब ये सत्ता बदलने के बाद वो जो राहुल है वो तो कांग्रेस का है, सॉरी बीजेपी का है। तो कहीं ना कहीं देखिए, और एमवीए के अंदर भी अभी भी देखिए नेता विपक्ष पद का शरद पवार ने घोषणा कर दी ना भाई ये हमारी पद है, ये फलाना है। अब कांग्रेस कह रही है भाई ये कैसे आपने बना दिया, आपके पार्टी टूटने के बाद हम ही लार्जेस्ट है तो हमें बनाना है, हमें मतलब दैट पोस्ट शुड बिलोंग टू अस। तो ये सारे चीजों को लेकर देखिए अभी भी औरंगजेब द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड। कल मान लीजिए मोदी जी से एक फोन जाता है शरद पवार को, भाई सुप्रिया सोने को, सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना है, मामला खत्म। आई मीन एंड एंड एक चीज बताऊं, नोबडी विल रेज आईब्रोज हियर इन महाराष्ट्र, वो कहेंगे ठीक है ये तो सही है, एंड इंक्लूडिंग द लोकल मीडिया। नहीं लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ शेखर जी, इतना इजी है क्या ये मामला निपटाने का कि सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बना दो और मामला निपट जाएगा? हो जाएगा। देखिए शरद पवार को इस उम्र में एट 82 ये डजंट हैव द भाई पूरा टूर करके। अच्छा दूसरा भाई, भाई का बेटा है, भाईपो है, दूसरा भाईपो के ममता झेल रही है और ये भी भाईपो है, भाई का बेटा है। औरंगजेब आपको मैं एक चीज वही आपसे ही पूछ रहा था कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। औरंगजेब का हमेशा ये कहना होता है कि अपनी बेटी के करियर के साथ कोई इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकता है। नहीं नहीं, जैसे मैंने वही बोला कि जब सुप्रिया सुले ने एक बार आपको बताया सुना होगा कि उन्होंने कहा कि दो पॉलिटिकल अर्थ को एक साएंगे जी, तो एक दिल्ली में आएगा एक महाराष्ट्र में आएगा। अब महाराष्ट्र में आ गया, दिल्ली में आना बाकी है, क्या पता है कि कुछ दिनों में वो भी हो गया। और शेखर को तो पूरी तरह, ये शरद पवार वही है जो 98 में सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन इशू पे अलग हो गए और कुछ महीने बाद जब इन्होंने पार्टी बनाई एनसीपी, उसके बाद उसी कांग्रेस के साथ अलायंस करके महाराष्ट्र में इतने सालों तक सरकार चलाते रहे। तो ऐसा वो जो मैं कह रहा था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल, पवार के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरी चीज है, शरद पवार एक ही लाइन में खत्म कर देंगे मामले को कि मोदी जी को देश को आगे ले जाना है। शेखर जी ये तो बहुत पहले सुगबुहार चली थी कि शरद पवार जो हैं वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेंगी और एनसीपी और बीजेपी का तालमेल हो जाएगा। ऐसा ऐसा 4-5 साल से लगातार किस्सा ही हम सुनते आए हैं और इट्स ए टेस्टिमनी टू शरद पवार कैपेबिलिटीज, जोड़ तोड़ की जो उनकी कैपेबिलिटी है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है, उनका भतीजा उनको दगा दे के चला गया कि ये इससे बड़ा क्या कहते हैं और क्या सब। देखिए उन जब दिसंबर नवंबर में जो हुआ था 2019 में चुनाव के बाद बातचीत चल रही थी बीजेपी के साथ, लेकिन इनको अजीत पवार को लग रहा है कि भाई ये सुप्रिया सुले को आगे कर देंगे और हमारा नंबर नहीं लगेगा, तो ये और इनको भी बीजी को भी फडणवीस को भी लगा भाई ये और कुछ प्लान कर रहे हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है भाई, 2019 में चुनाव से पहले अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे अलायंस ब्रेक करके आगे जाता ना ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन उन्होंने मोदी के नाम पे वोट लिए, पोस्टर इकट्ठा छपा, मोदी जी ने कैंपेन भी किया, उसके बाद जो हुआ ना जिसके वजह से एक पिक्यूलर सिचुएशन जी, और पिक्यूलर सिचुएशन में शरद पवार हमेशा ये सोचते थे भाई मैं कैलकुलेशन करके। देखिए उनकी अब इस उम्र में ज्यादा उनकी चिंता अपनी बेटी को लेकर है एंड ही फील्स, और लगता है भाई अजीत पवार को तो मैंने इतना कुछ कर दिया, ये जो ड्रामा जो हुआ ना भाई मैं रिजाइन किया उन्होंने, रेजिग्नेशन वापस ले ली। अच्छा कम से कम उस समय अजीत पवार को लगा भाई अब तो ही इज रिटायरिंग, एंड अजीत पवार एड एश्योर्ड शरद पवार
भाई बेटी वो मेरी बहन है, मैं उनकी मैं करूंगा। आपने देखो पब्लिक भी कैसे ही डील्स विद विद अफेक्शन, सुप्रिया आप चुप रहो मैं बात करता हूँ, तो मुझे अभी भी नहीं लगता। एंड दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ा लिंक और जो जो मैं सुन रहा हूँ सब पवार फैमिली में, दैट इज मिसेस पवार। मिसेस पवार जो है ना प्रतिभा पवार, वो शी इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड अजीत एंड अदर्स। देखिए ये फैमिली रिलेशन खत्म नहीं होगा। अब भी देखिए जब पूछा जाता है पवार से, शरद पवार जी से, भाई ये परिवार में कैसे अफेक्ट होगा, क्या कहते नहीं हमारे परिवार में हम कभी राजनीति डिस्कस नहीं करते और कभी अफेक्ट नहीं होता। एंड आज भी आप देखेंगे ज्यादा गुस्सा शरद पवार की तरफ से नहीं है। वो कहता है भाई बिट्रे हो गया, पब्लिक तय करेंगे, वो से करेंगे, जिसका मुझे कोई ये नहीं लगता। एंड आई डोंट थिंक शरद पवार और अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, सी दे आर स्टिल नॉट सेइंग वेरी एनीथिंग नास्टी। अभी भी बोल रहे हैं वो बात छोड़ दीजिए। मुझे लगता है शरद पवार भी देखेंगे ये जो मध्य प्रदेश राजस्थान ये चुनाव का ये देखेंगे भाई क्या है फिर। चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे इस चर्चा को, काफी लंबी हो गई आज बातचीत। फिर हम हाजिर होंगे, दर्शकों से अभी विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।